तो चलिए दोस्तों, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के गाने का कंपेयर कर लेते हैं 6 घंटा वाला रिपोर्ट से। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, और जो लोग मेरे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, हाल ही में खेसारी लाल यादव का एक नया गाना आप सभी के बीच आया था, जिस गाने का नाम था हल्का साउंड। खेसारी लाल यादव के इस गाने पे 9 घंटे में 91,000 लाइक्स मिला था, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, और 1 मिलियन व्यूज शो कर रहा था। वहीं बात की जाए पवन सिंह के आज वाले गाने के बारे में, तो पवन सिंह के आज वाले गाने पे मात्र 6 घंटे में 92,000 लाइक्स मिला है और 4,64,000 व्यूज शो कर रहा है। हाँ तो दोस्तों, मात्र 6 घंटे में ही पवन सिंह का गाना खेसारी लाल यादव के गाने से बहुत आगे निकल गया है। खेसारी लाल यादव के गाने को 9 घंटे में 91,000 लाइक्स मिला था, पवन सिंह वाले गाने को मात्र 6 घंटे में 92,000 लाइक्स मिला है। हाँ, कुछ भाई लोगों का कमेंट आ रहा है कि पवन सिंह के गाने का 1 मिलियन व्यूज क्यों नहीं शो कर रहा है। तो दोस्तों, पवन सिंह के इस गाने पे 1,20,000 या 25,000 लाइक्स मिल जाएगा, तब ये गाना समझिए 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया है। और जिस गाने पे एड एक्टिव कर दिया जाता है, 80-90,000 लाइक्स पे 1 मिलियन व्यूज शो करने लगता है। और सच्चाई यही है कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के गाने पे 1,20,000-25,000 लाइक्स मिलता है, तब जाके 1 मिलियन व्यूज होता है, और उसके बाद धीरे धीरे कम लाइक्स मिलने लगता है। और 1 मिलियन व्यूज पे 1,20,000-25,000 लाइक्स होना चाहिए, तभी जाकर ओरिजिनल व्यूज माना जाएगा। बाकी पवन सिंह के इस गाने पे बहुत तेजी से लाइक्स मिल रहा है, और थोड़ी देर में ये गाना 1,00,000 लाइक्स कंप्लीट कर लेगा। और दोस्तों, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और भोजपुरी के दबंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का वीडियो पसंद आया तो ज्यादा लाइक, रिकमेंड करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।